YouTube चैनल सैटेलाइट चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी अयोध्या के रामलीला ली मेरिटन होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया। गौरतलब है कि प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए निवर्तमान सांसद व बीजेपी के सीनियर नेता चौधरी कंवर सिंह तंवर जी ने बोला कि ये रामलीला जो होने जा रही है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, संस्कृति मंत्री नीलकांत तिवारी जी, अयोध्या शोध संस्था और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हो रही है और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वह अयोध्या की रामलीला का योग कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अयोध्या के रामलीला कराने में का एक उद्देश्य है कि भगवान श्री राम की रामलीला घर घर तक पहुंचे और दुनिया के कोने कोने में श्री भगवान राम जी के भक्त घर घर बैठकर जय जय राम जी की रामलीला को देखें और हमारे आने वाली युवा पीढ़ी भगवान श्री राम की रामलीला के बारे में जाने। यही नहीं, मेरा एक उद्देश्य ये रामलीला का करने के और इसकी जिम्मेदारी सुभाष मलिक बॉबी को दी है जो कई सालों से रामलीला कर रहे हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी इनको दी है। रामलीला के मुख्य संरक्षक सांसद बीजेपी सीनियर नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं, संरक्षक सांसद व बीजेपी सीनियर नेता रमेश चंद्र कौशिक जी, संरक्षक डॉक्टर संदीप मारवा जी, संरक्षक संदीप गोयल जी, चेयरमैन राकेश बिंडल जी, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बीपी टंडन जी, वाइस चेयरमैन आदित्य अग्रवाल जी। इस रामलीला की मुख्य भूमिका में माननीय सांसद और फिल्म स्टार मनोज तिवारी जी अंगद की और माननीय सांसद गोरखपुर और फिल्म स्टार रवि किशन जी भरत की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म स्टार श्री बिंदु दारा सिंह हनुमान जी के रूप में, फिल्म स्टार श्री अश्वानी जी नारद मुनि जी के रूप में, फिल्म स्टार श्री राजा मुराद जी अहिरावन जी के रूप में, फिल्म स्टार शहनवाज खान श्री रावण जी के रूप में नजर आएंगे। फिल्म स्टार श्री अवतार गिल जी सुबहू और जनक के किरदार में नजर आएंगे। फिल्म स्टार राजेश पुरी जी सुति, कंस और निषाद राज जी के किरदार में, अभिनेत्री ऋतु सिंह पुरी जी केके के किरदार में, अभिनेता राकेश बेटी जी विभीषण के किरदार में, अभिनेता राकेश बेटी जी की बेटी सुलोचना के किरदार में नजर आएंगी। अयोध्या की रामलीला के मंच में दर्शकों को आने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। रामलीला को सिर्फ सैटेलाइट चैनल यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया चैनल पर ही 17 से 25 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से 10 बजे तक दिखाया जाएगा और रामलीला के समाप्त होने के बाद रिकॉर्ड करके 14 भाषाओं में कन्वर्ट करके यूट्यूब पर दिखाया जाएगा।